नमस्ते ब्रज छाया, आपका स्वागत है। आज खड़े दर्शन रेडी गो के सामने, ये इसकी की है, एक रिमोट की आती है और एक आपकी आती है सादा की। आप देख सकते हैं एक सादा की एक रिमोट की है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, निशान और अपना दर्शन एक ही कंपनी ग्रुप के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करें तो कितना बड़ा आपको रेगुलेटर ग्रिल मिलेगा। आप देख सकते हैं निशान दर्शन की लोगो, या आप देख सकते हो दर्शन अपने लाइसेंस प्लेट के लिए जगह। और इसके अंदर DRL विथ LED फॉग लाइट सेगमेंट में किसी गाड़ी के अंदर नहीं आते। LED DRL और LED फॉग लाइट हेडलाइट, आप देख सकते हैं हेडलाइट 10 इंडिकेटर और बड़ा सा बोनट, आप देख सकते हैं दोनों तरफ LED हेड फॉग लाइट किसी गाड़ी के अंदर नहीं आते। ट्विन हुक आप देख सकते हैं, और अपनी DRL अपनी ऑल्टो के अंदर भी नहीं आते। भाई मैं आपको बता दूँ, ऑल्टो के अंदर DRL नहीं आते हैं प्रेजेंट में। अपनी हेडलाइट और विंडशील्ड एरिया बात करें तो एक सिंगल वाइफर ही मिलेगा विथ वॉशर के साथ। आप देख सकते हैं एंटीना आपको यहाँ पे मिलेगा, लेंथ वाइज वगैरह आपको यहाँ डाल दूंगा सब चीज़ें। टायर साइज की बात, 13 इंच के टायर से मिलेंगे, लेकिन डायमंड कट व्हील कैप के साथ दर्शन की लोगो, डायमंड कट का मिलेगा 13 इंच का व्हील कैप, 10 इंडिकेटर दर्शन की लोगो। आप देख सकते हैं फेंडर पे 10 इंडिकेटर, और भी आपको अपनी बॉडी कलर का ही मिलेगा। डोर ओपनर आपको बॉडी कलर का मिलेगा, आप देख सकते हैं सेंटर लॉकिंग वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फ्यूल टैंक एरिया आपको ऐसा मिलेगा, यहाँ पर राइट साइड में मिलेगा, पूरी दर्शन और निशांत की गाड़ियों में आपको राइट साइड ही मिलेगा। रियर प्रोफाइल की बात करें तो आप तो ऐसा देखेगा, ये आप देख सकते हैं बूट स्पेस, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है आपको, 250 लीटर के समथिंग इसके अंदर बूट स्पेस आता है। और आपको नहीं होगा तो इसके अंदर मैं शो कर दूँगा, ये आप देख सकते हैं 250 लीटर का बूट स्पेस आता है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। स्पेयर व्हील आपको इसी के अंदर मिलेगा, स्टील व्हील आपको टूल किट वगैरह सारी चीज़ें इसका, 13 इंच का स्टील व्हील आपको इसके अंदर मिलेगा। ये भी आपको बेंच फोल्डिंग आप कर सकते हैं, बूट स्पेस देख सकते हैं आप। डैशन की बैजिंग, इसके अंदर कैमरा वगैरह नहीं आता, 4 पार्किंग सेंसर आते हैं, LED टेल लाइट आती है इसके अंदर सेगमेंट वाइज, LED टेल लाइट लेफ्ट साइड प्रोफाइल आपको ऐसी दिखती। आइए को ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं, ये अपनी बेंच फोल्डिंग सीट हो जाती है पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं। तो आइए, इस तरह आपने देख लिया होगा, डोर ओपनर आपको ऐसा मिलेगा ब्लैक कलर का, आपको पूरा डोर मिलेगा। फ्रंट पावर विंडो 2 आदमी बोतल होल्डर आपको यहाँ मिलेगी, और अपना डोर ओपन लॉक के लिए ये मिलेगा, सिलो कलर का आपको ये मिलेगा, ब्लैक कलर का डोर ओपनर आपको ऐसा मिलेगा। कोटर साइड आपको देखते हैं तो कोटर साइड आपको डोर ऐसा मिलेगा, डुअल टोन में मिलेगा आपको, देख सकते हैं कुशनिंग के, यहाँ पे कुशनिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक आपको मिलेगी, सिलो कलर में डोर ओपनिंग। तो आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं, ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो ड्राइवर साइड डोर खोलने के लिए आपको प्लेनिंग ड्राइवर साइड डोर मिलेगा आप, और यहाँ पे आपको अंदर ऐसा डैशबोर्ड एरिया मिलेगा। इसके अंदर ड्राइवर हेडजस्टर सीट वगैरह कुछ नहीं आती, यहाँ पर टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन आता है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर देखते हैं 3 पेडल ऑटोमेटिक के अंदर ही नहीं आती, शायद आएगी तो आप इंटीरियर के अंदर आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, आपको डैशन की बेजिंग और सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट आप देख सकते हैं। इसको की ऑन करते हैं, की ऑन करने के बाद में आपको ऐसा आपको स्टीयरिंग क्लस्टर मिलेगा, आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग क्लस्टर आपको ऐसा दिखेगा। AC बेंट आप देख सकते हैं, एंड्रॉइड अपने म्यूजिक सिस्टम आपको प्लेट वीडियो प्लेबैक वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ AC बेंट वगैरह आपको 4 मिलेंगे, AC बैंड आपको 4 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 और भी आपको मैनुअली मिलेगा। सनसेट की बात करें, सनसेट आपको ऐसा मिलेगा, इस तरफ भी आपको ऐसा मिलेगा, ये रीडिंग लाइट जलती नहीं है, रीडिंग लाइट यहाँ पे, और ग्लो बॉक्स आपको ऐसा मिलेगा, आप देख सकते हैं अपने मोबाइल वगैरह रखने के लिए जगह, यहाँ पे एक जगह 12B का चार्जिंग पोर्ट और अपना USB पोर्ट, और ऑक्स इसके अंदर शायद नहीं आता है, ये लोकल लॉक के लिए है अपना, ये जगह अपनी मोबाइल रखो आप, और जगह 2 पावर विंडो ये आप देख सकते हैं। ब्लैक कलर का आपको गियर नॉक मिलेगा, हैंड ब्रेक आपको क्रोम में मिलेगा, ऐसी आपको सीट मिलेगी, डुअल टोन आपको सीट मिलेगी, चारों के चार आप देख सकते हैं पीछे और आगे डुअल टोन, प्लेन आपको रूफ मिलेगी आप देख सकते हैं, और ORV में आपको इसको डंडी वाला ही मिलेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी बात करते हैं भाई MID की, MID के अंदर आपको AAA, AAA, और माइलेज, फ्यूल इंजेक्शन और RP मीटर्स के अंदर अभी आपको मिलेगा। ऑन रोड की प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, ट्रिप माइलेज वगैरह सारी चीज़ें ये दिखाती है। तो आइए, मैंने आपको यहाँ पूरा कवर कर दिया होगा। बीम एडजस्ट करने के लिए लीवर आपको यहाँ मिलेगा, देख सकते हैं बीम एडजस्ट करने के लिए लीवर आपको यहाँ मिलेगा,
तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है पूरा म्यूजिक सिस्टम, आपको प्लेबैक वगैरह और कॉलिंग वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर पूरी मिलती है। सेटिंग में जाएंगे तो आपको सारी पूरी सेटिंग मिलेंगी, आप देख सकते हैं। और इसकी मतलब स्मूथनेस ही काफ़ी अच्छी है। आप बंद कर दोगे इसको तो यहाँ से तो अपना टाइम दिखाएगा, ये ऑन हो गया, सारी चीज़ें पूरी दिखाएगा, सब चीज़ें इसके अंदर है। ये होम में आ गए, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह इसके अंदर शायद नहीं चलता है, मैं आपको बताऊँ। ये हेजर लाइट के लिए बटन, हेजर लाइट, यहाँ पर हेजर लाइट जल जाती है। आइए इसका बोनट खोल के देखते हैं, बोनट खोल के दिखाता हूँ मैं। यहाँ से कौन था इसका बोनट, बोनट खोल के देखते हैं। 800 cc का पेट्रोल इंजन आएगा इसके अंदर, 3 सिलेंडर, जो देन 5 मिनट वगैरह आपको करेगा, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। एक सेकंड, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा बोनट एरिया है इसका, आप देख सकते हैं। छोटा सा इंजन है, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, थोड़ा सा गंदा है चक्कर, आप माइंड मेट करना, सॉरी इस चीज़ के लिए। 3 सिलेंडर आपको इंजन मिलेगा, आप 3 सिलेंडर ऐसे मान सकते हैं, 1, 2, 3। PSP वगैरह आपको यहाँ पर जनरेट कर दूंगा, ये इसकी बैटरी है। और डैशन में काफ़ी अच्छा ये अपना बाइफर फ्लूड भरने के, पानी भरने के लिए, ये ब्रेक ऑयल के लिए, इंजन ऑयल यहाँ से डाल सकते हैं अपन, और अपनी यहाँ से मतलब सारी चीज़ फ्यूल, ये अपना फिल्टर एरिया है, अपना बैटरी, ACM वगैरह, ABS, CVT वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। 2 एयरबैग वगैरह इसके अंदर आते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कार बहुत अच्छी है। और 2 एयरबैग, ABS, CVT वगैरह इसके अंदर भी आते हैं। बस मतलब खरीदने वाली बात है तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस की आप बात करें, 205 mm का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, सबसे सेगमेंट वाइज सबसे बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आता है। ऑल्टो से बड़ा आता है, ऑल्टो से बड़े टायर आते हैं, ऑल्टो से बड़े ओवर व्हीम आते हैं, और ऑल्टो से अच्छी इसका काफ़ी माचो लुक आती है। 2 पावर विंडो आपको मिलती है, म्यूजिक सिस्टम, टच म्यूजिक सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सेव टाइम, हैव अ नाइस डे।